एक बार चाणक्य से चंद्रगुप्त ने, जो लोग प्यार मोहब्बत करते हैं खासकर उनके लिए ये मेरा है, एक बार चाणक्य से चंद्रगुप्त ने पूछा कि एक्चुअली चंद्रगुप्त को प्यार हो गया था, एक कन्या थी उससे उसको प्यार हो गया। तो उसने चाणक्य से कहा कि गुरुदेव मैं इस कन्या से प्रेम करने लगा हूं, क्या मैं इससे विवाह कर लूं? तो चाणक्य ने कहा कि प्रेम करना बुरा नहीं है, लेकिन न तुम विवाह कर सकते हो न तुम इस प्रेम को आगे बढ़ा सकते हो। चाणक्य से फिर चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त ने कहा कि क्यों गुरुदेव? उसने कहा सुनो, तुम भारत के सम्राट बनने लायक हो, तुम्हारे में वो लक्षण वो गुण हैं, तुम प्रेम करने के लिए नहीं बने हो। तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा कि संभव है गुरुदेव कि मैं प्रेम के लिए न बना हूं, लेकिन कितना अच्छा होता यदि मैं भारत का सम्राट न बनता, इतने त्याग न करता, इतने समर्पण न करता, इतने दुख न सहता, तो शायद मुझे ये लड़की जिससे मैं प्रेम करता हूं वो मुझे मिल जाती। तो चाणक्य, हाँ निसंदेह तुम्हें मिल जाती, लेकिन अगर ये त्याग ये समर्पण सब करने लगे तो सब लोग चाणक्य ना बन जाए। प्रेम तो सबके हाथ में है, प्रेम तो सब कर लेते हैं, वो चंद्रगुप्त मौर्य के नागरिक कहलाते हैं। जो समर्पण करेगा, त्याग करेगा, जो अपने ऊपर आत्मसंयम रखेगा, वो बनेगा चंद्रगुप्त मौर्य, भारत का सम्राट। तो यदि आपको जीडी निकालना है, सीजीएल निकालना है, कंपटीशन निकालना है, तो निश्चित तौर पे त्याग, समर्पण, धैर्य और एकांत में मेहनत अपनी किताब के साथ, ये आपको भीड़ से अलग करेगा। जो लोग रोज रूटीन वर्क कर रहे हैं ना, वो कंपटीशन ऐसे नहीं निकाल पाएंगे। याद रखना, रूटीन वर्क करके वही हासिल करोगे जो रूटीन लाइफ में चलता है। जब तक रूटीन से हटकर, लीक से हटकर मेहनत नहीं करोगे, तुम सम्राट नहीं बनोगे। सम्राट बनने के लिए त्याग, समर्पण, मेहनत, यह सब तुम्हारी लाइफ में होना चाहिए, ठीक है ना? तो ऑल